बाबा साइड हो जाओ, बाबा जी साइड हो जाओ। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेपी दलाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। की खड़ी सांस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जेपी दलाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेपी दलाल हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जेपी दलाल का लाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलाल जैसे कंधे मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेपी दलाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेपी दलाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। किसान विरोधी जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जरूर जरूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जेपी दलाल जो मंत्री है बीजेपी का, उसका पुतला फूका गया है रोष वजह कि उन्होंने किसानों के बरसात कल कोई जो अपने किसान शहीद हुए उनके मरने पे उन्होंने अपशब्द बोले हैं, उसके रोष में किसानों ने ये आज पुतला फूका है और कई जगह पुतले फूके गए हैं। उसी के रोज वैसे आज आप बमनशाह चौक पर पुतला फूकने के लिए आए हैं। सर उसके बाद माफी का वीडियो भी वायरल हो गया है। जो माफ़ी तो ऐसे है ना, गलती करे बंदा माफ़ी मांग रहा है, ठीक है माफ़ी उसने मांग ली, लेकिन उसे बोलने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि जो किसान आज इतनी ठंड में बैठे हैं वहाँ, वो मरने के लिए तो नहीं गए, वो अपना हक लेने के लिए है, वो शहीदियाँ डाल रहे हैं, वो मरना कह रहा है, ये तो आम इन्होंने मरना था मर के, तो ये आप शब्द तो उसने बोले हैं ना, पुतला मार लिया, ये सब जगह फूका गया है या सिर्फ? हाँ, जैसे जैसे लोगों का मतलब प्रोग्राम बना है, पर्सनल तौर पर संयुक्त मोर्चे की तरफ से काल तो नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर जो बनाया उसको मांग तो किसान ये करते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके ने शर्मनाक बात की है, उनको मंत्रिमंडल में हम तो खट्टर साहब को कहें उसको सरकार में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसे मंत्री को जो किसानों के बरखिलाफ ऐसे शब्द बोलते हैं।